जसीरा। जाने मुझे क्यों 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 अच्छा लगता है, न जाने मुझे क्यों 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 सच्चा लगता है। शायद करने लगे हूँ तुझसे प्यार, जीवन में आया तू बहार। छुपा के रखना दिल की पिटारी में, छुपा के रखना सोनी है बली नी सोनी। सावन के पहले फुहार दिल में जताती है प्यार की राह पे मेरे नाल चल लो। ओ गोरा गोरा मुखड़ा तेरी आंखें काली काली, ओ लंबी सिटी मार मुंडिया कुड़ी वेख के नखरिया वाली, ओ लंबी सिटी मार मुंडिया। हम दोनों जब मिले नहीं सपने खिले नहीं थे, बोल सजनी तू क्या करते थे। ना सूरज था ना चंद तारे, तब भी मैं प्यार तुझे करती थी। हम दोनों जब मिले नहीं थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेट्रो लाइव टीवी, मैं हूं एसएम शाकिर। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर डायरेक्टर और साथ साथ कमर्शियल फिल्मों के भी ये डायरेक्टर रह चुके हैं। पाकिस्तान में जो विजुअल इफेक्ट्स से मुजैन फिल्म थी, विजुअल इफेक्ट से आरास्ता जो फिल्में थीं उसके ये बानी थे और इन्होंने मुतअद्दिद सुपरहिट फिल्में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को दी। ख़ास तौर पर इनकी एक फिल्म शानी, सरकटा इंसान और तिलस्मी जजीरा, ये तीनों फिल्म अवाम में बेहद पसंद की गई थी। इनके जो फादर थे रफ़ीक रिजवी साहब, जो बापू के नाम से मशहूर थे, उन्होंने भी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए गिरा खिदमात अंजाम दी। और इनके जो फादर थे रफ़ीक रिजवी साहब और उन्हें बापू के नाम से जाना जाता था, उनकी खिदमात को भी कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तो आइए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब सईद रिजवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शाकिर भाई, जी अल्लाह का करम है। सईद रिजवी साहब, आज का ये जो हम इंटरव्यू है इसका मेन मकसद जो है वो तो यही है कि जी आप अपनी फिल्म सरकटा इंसान, जो एक सुपरहिट फिल्म थी, उसको दोबारा से सिनेमा पे रिलीज़ करने जा रहे हैं, लेकिन उसकी तो बातें साथ साथ होंगी, लेकिन साथ साथ आपके हवाले से भी हम ये चाहते हैं कि जी जो लोग आपके मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ लोगों ने देखे हैं दुनिया भर में, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक मरतबा फिर हम इसको दोबारा से लोगों की याददाश्त में लाएं और एक मरतबा फिर आपसे फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से बात करें। और सबसे पहले आप ये बताइए कि आपके जो फादर थे रफ़ीक रिजवी साहब, वो किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ गए और क्या वो इंडिया में भी एक फिल्म के हवाले से कोई काम करते थे? शाकिर भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इन्वाइट किया। हम तो यानी वो कहते हैं ना कि हमारी जब आँख खुली तो हमने एक्शन, कट और लाइट की आवाज़ें सुनी है बॉम्बे में।
डैडी ने बॉम्बे में बहुत फिल्में बनाई हैं और हम जाया करते थे ज्योति स्टूडियो में, जागृति स्टूडियो में, आरके स्टूडियो में डैडी के साथ बचपने में, बहुत छोटे होते थे हमें, मगर हमें अभी तक याद है वो। उस वक्त तो कोई फिल्म का ऐसा शौक़ नहीं था। पाकिस्तान जब हम माइग्रेट किए, वो भी माइग्रेशन भी जो है ना, वो एक है बहुत बड़ी स्टोरी, मगर उसको शॉर्टकट में कहूँगा कि डैडी ने फिल्म बनाई थी बेदारी, और उसमें गाना था लेना है कि अभी कश्मीर है ये बात ना भूलो। हम उस वक्त बॉम्बे में थे, तो जब ये गाना यहाँ चला है तो हमें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। अच्छा। और हम रातों रात पूरी फैमिली जो है ना वहाँ से भागे बॉम्बे से, एंड वी केम टू पाकिस्तान। तो इस तरीके से हमारा माइग्रेशन हुआ और फिर डैडी यहाँ फिल्म बनाते रहे, हम पढ़ते रहे। अच्छा, हम जब आए थे वहाँ से तो बॉम्बे में तो इंग्लिश मीडियम ही होता, तो हमें उर्दू नहीं आती थी, हम हर काम हिंदी में किया करते थे। तो फिर एनी आओ ऐसे ऐसे उर्दू के भी ट्यूटर रखे हमने, उर्दू भी पढ़ना सीखी, और जो भी आता था वहाँ इंग्लिश में बात करते थे। इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम का ही हमने मैट्रिक भी किया, इंटर भी किया, ग्रेजुएशन भी किया, सब इंग्लिश मीडियम से। हम सारे भाई जो है ना इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए थे। और फिर एक दिन डैडी के सेट हो रहा था, शायद फिर सुबह होगी कि शूटिंग थी, तो उस सेट पे मैंने देखा कि वो कैमरामैन लाइटिंग करा रहा है और वो लाइट का शेडो जो है ना वो दीवार पे पड़ रहा है। तो मैंने डैडी के कान में कहा, मैंने कहा डैडी ये लाइट का तो शेडो होता नहीं, वो तो खुद सोर्स है। जाहिर है मैं साइंस का स्टूडेंट था, फिज़िक्स का स्टूडेंट था। तो डैडी ने कैमरामैन को बुला के कहा कि ये मेरा बेटा ये कह रहा है। तो कह रहे हाँ हाँ वो ये हो गया वो हो गया, खैर उन्होंने मैनेज किया। बस शाकिर भाई उसके बाद शौक उठ गया फोटोग्राफी का। उन ज़माने में एटॉमिक एनर्जी कमीशन का वो यहाँ शुरू हुआ था, और मैं ग्रेजुएशन या मास्टर्स की डिग्री करके मैं आया था यूनिवर्सिटी से। मैंने वो जॉब नहीं की, मगर मॉडर्न स्टूडियो में 90 रुपये का मुलाजिम बन गया एज अ चीफ कैमरामैन, असिस्टेंट कैमरामैन। फिर फौरन ही लाइटिंग कैमरामैन बना, इसलिए कि लोग कहते थे ये लाइटिंग बड़ी अच्छी करता है, तेज़ करता है। नहीं तो हमारे यहाँ कैमरामैन सोचा करते थे लाइट का, मैं एकदम फौरन किया करता था। 8-9 महीने मैंने जॉब की, फिर एक सिंधी फिल्म मिल गई, मैंने काफ़ी सिंधी फिल्में की फोटोग्राफी। उस दौर में ये हुआ कि कराची से इंडस्ट्री लाहौर शिफ्ट हो गई, यहाँ स्ट्राइक हो गई थी, शायद आपको याद हो, बहुत बड़ी स्टूडियोज हमारे बंद हो गए थे। तो उस वक्त मैंने फिर एडवर्टाइजिंग में आ गया, और मैंने कमर्शियल बनाना जब शुरू की, बस वो अल्लाह का करम है, माँ बाप की दुआ है, वो पहली यॉर्कर पे छक्का लग गया। एक सिगरेट की कमर्शियल मैंने बनाई थी, तो मैंने वो पुराने रिवाजों को तोड़ा और उसमें स्पोर्ट्स कार और सेसना प्लेन और उसके सारा जिंगल बनाया। वो इतना हिट हुआ कि बस फिर उसके बाद 20 साल जो है ना बस एडवर्टाइजिंग में रहा कंटिन्यूस। रफ़ीक रिजवी साहब के हवाले से बताइए कि उनकी एक फिल्म थी समंदर, जो वहीद मुराद साहब उसमें थे, आई थिंक शबनम भी थी, उनकी शायद पहली फिल्म थी या दूसरी फिल्म थी। तो वहीद साहब के साथ उन्होंने काम किया, लेकिन मज़ीद फिर वहीद मुराद साहब के साथ वो काम ना कर सके। लेकिन कुछ उनकी फिल्मों के बारे में बताएं कि जी उनकी और कौन कौन सी फिल्में थी उर्दू पंजाबी। डैडी की पहली जो फिल्म बॉम्बे से आए थे तो उन्होंने बेदारी बनाई थी, फिर डैडी ने बनाई थी एक फिल्म सवेरा, जिसका गाना है तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, माना के डैडी का म्यूजिकल स्कोर बड़ा अच्छा होता था। एक फिल्म बनाई थी अपना पराया, बहुत सुपरहिट गाना, सुपरहिट गाना था अपना पराया बनाई डैडी ने, वो भी हिट हुई, बड़ा अच्छा सब्जेक्ट था। जिंदगी रही तो कभी उसको रीमेक करूँगा मैं। और फिर डैडी ने फिर सुबह होगी बनाई, आरजू बनाई, और काफ़ी फिल्में बनाई, नीलोफर बनाई। इसलिए डैडी फिल्म हयात के साथ थे, बंजारन भी डैडी बना रहे थे, इसलिए कि इकबाल शहजाद साहब की फ़िल्म शरारत डैडी ने बनाई थी, जिसमें मोहम्मद अली साहब को पहली दफ़े हीरो लिया था। मोहम्मद अली साहब एज अ विलन आए थे चिराग जलता रहा में, तो डैडी ने कहा कि उनकी पर्सनालिटी जो है ना हीरो की है, तो डैडी ने उनको हीरो लिया था।
और शरारत का भी वो गाना था, बड़ा हिट हुआ था, मसूद राणा साहब का, ए दिल तुझे उससे ये कैसी शिकायत है। फिर हमने एक अपनी फिल्म शुरू की थी, उसका नाम था उजाला, जिसमें डैडी प्रोड्यूसर थे, नोबिटास के नाम पे बनी थी। उसमें हमें बड़ा लॉस हुआ था, पिक्चर कंप्लीट हो गई थी, वहीद भाई भी थे उसमें, उसमें निशो थी, मुनव्वर शरीफ साहब थे, मुनव्वर सईद थे। वो फिल्म का सिर्फ क्लाइमेक्स और लिंकिंग सीन बाकी थे कि शरीफ साहब की डेथ हो गई, तो फिल्म जो है ना वो वैसी बंद हो गई। उसके भी गाने बहुत हिट थे, नाशाद साहब का म्यूज़िक था और वो तस्लीम फाजली साहब ने उसका एक गाना तो बहुत आता था रेडियो पे, मिसाल देने में शायर से हो गई ये भूल, कहाँ जनाब की सूरत कहाँ गुलाब का, मेहदी हसन साहब का, मेहदी हसन साहब। समंदर के हवाले से बताइए, समंदर कराची में उन्होंने बनाई थी और बड़ी वो खूबसूरत फिल्म थी, तो क्या वहीद मुराद साहब उसके एज ए प्रोड्यूसर थे वो, और वहीद साहब की वो फिल्म थी, तो वहीद साहब ने दीगर डायरेक्टर्स को छोड़ के आपके फादर को ही क्यों चुना था? अच्छा, वो ये बात थी कि डैडी एक फिल्म बना रहे थे, उसका नाम था अनजाने रास्ते, तो उसमें वहीद भाई को साइन किया था और उसमें वो फर्स्ट फिल्म थी जिसमें शबनम को डैडी ने बुलाया था बांग्लादेश से। हाँ, तो शबनम की पहली फिल्म जो थी वो शायद पता नहीं आर्ट काउंसिल के फंक्शन में आप थे, शबनम भी थी, मैं भी था, तो उसने मुझे देख के बोला कि मुझे बापू याद है, और उसने माइक पे भी कहा कि पहली दफ़े इनके फादर ने मुझे बांग्लादेश से बुलाया था। फिर उसी दौरान वहीद भाई ने कहा कि बापू एक फिल्म बना दो, और ये शबनम अच्छी आर्टिस्ट है, हम दोनों को लेके कोई कॉन्सेप्ट बनाओ। उस वक्त डैडी ने समंदर को विजुअलाइज किया और फिर समंदर बनी। जब इश्तहारात की दुनिया में आपने बड़ा, जो कमर्शियल्स की दुनिया में आपने बड़ा तहलका मचाया, एक तहलका खेज आपका जो कमर्शियल था पार्कलैंड सीमेंट, वो बड़ा पसंद किया गया, और उस वक्त वो एक नई जहत थी, नई दुनिया थी, वो लोग देखते थे और उसको कहते थे कि किस तरह का ये कमर्शियल है और बड़ा, तो वो उसके बाद फिर मुतअद्दिद आपके आगे पीछे जो जितने भी कमर्शियल थे वो सुपर हिट हुए और आपके नाम से पहचाने जाने लगे। पार्कलैंड सीमेंट वाला ये कॉन्सेप्ट आपका कैसे जहन में आया था? खुदा का लाख लाख शुक्र है कि कोई फिल्म के इंटरव्यू में किसी ने मुझसे एडवर्टाइजिंग के कैरियर के बारे में भी पूछा। लोग पूछते नहीं है, सिर्फ फिल्म और साइंस फिक्शन की बात करते हैं। मैं अप्रिशिएट करूँगा कि कम से कम ये मेरा 20 साल का कैरियर था एडवर्टाइजिंग का। जब मुझे पहली कमर्शियल मिली थी तो उस वक्त मेरी तनख्वाह मॉडल में 90 रुपये और इतनी थी, और मुझे एक ऐड मिला था 14,000 रुपये का। मैंने कहा यार ये काम तो अच्छा है, तो बस उसी वक्त से मैंने ये कंपनी भी नोविटास भी स्टार्ट की। पार्कलैंड सीमेंट का बैकग्राउंड बहुत बड़ा है, मैं कैमरामैन तो बन गया मगर मेरे जहन में सिर्फ फोटोग्राफी का नहीं था, मैं बनना चाहता था विजुअल इफेक्ट। मुझे नहीं पता था क्या था, मगर मैंने एक फिल्म देखी हुई थी उसी दौर में, उसका नाम था मैरी पॉपिंस, डिज्नी साहब की फिल्म है, बहुत 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 पॉपुलर फिल्म है, उनमें उन्होंने लाइव एनिमेशन किया था। तो मैंने कहा था यार अगर कैमरामैन पहला कदम होगा मुझे बनानी ये फिल्म, तो मैंने अपने लाइफ में जो स्ट्रगल किया है ना, आप देखें मैंने ऐड बनाना शुरू किया और सबसे पहले जब मैं ट्रेनिंग लेके आया हूँ तो मैंने पार्कलैंड सीमेंट का ऐड बनाया। पार्कलैंड सीमेंट का हर काम जो है ना, इस जगह जहाँ बैठे हैं आप, सब यहाँ हुआ है, सारे ग्राफिक्स यहाँ हुए हैं, सारी मिक्सिंग यहाँ हुए, सारे इफ़ेक्ट्स यहाँ हुए। वो अकाउंट था इंटरफ्लो का, तो जो उनके ओनर थे तारिक़ भाई, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो उन्होंने कहा यार ये जो एड्स बना रहा है ना उससे बनवाओ, इसलिए कि इंटरफ्लो अपने एड्स खुद बनाता था। तो ताहिर से मेरी ताल्लुकात थे पैरागन एडवर्टाइजिंग की वजह से, तो वो आके मुझे कहा कि यार तुम्हें अभी चलना है। मैंने कहा उन ज़माने में और क्लाइंट भी बैठे हुए थे माशाल्लाह, इतना काम होता था, तो उसने कहा नहीं बस मेरे साथ 10 मिनट के लिए चलो। अब मैं शाकिर भाई ऐसे ही उठ के चला गया, तो उनके जब ऑफिस में गया तो उनके एक पेंटिंग लगी हुई थी कि फैक्ट्री की तस्वीर थी
और उसके पीछे एक सन निकल रहा है। उन्होंने कैप्शन बनाया था डॉन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी की सुबह। तो मैंने कहा टेक्नोलॉजी तो मेरे पास है, वो लेज़र बीम और ये वो, तो उस तरीके से वो कमर्शियल जो है लेज़र बीम, और जब वो चलती थी तो चाहे वो सिनेमा पे चल रही थी चाहे वो टीवी पे चलती थी, तो आगे के पीछे के ऐड जो है ना वो सब खामोश हो जाते थे, इतना लेज़र बीम होता है वो। एक तरह का मिट्टी बेच रहा था ना मैं, वो सरवेंट इज़ अ मिट्टी, तो उसमें लोगों को इतना अट्रैक्शन था कि लोग उससे अट्रैक्ट होते रहे, उसके इफ़ेक्ट, उसके पावरफुल विजुअल, उसने लोगों को ग्रिप करके रखा। और उस कमर्शियल की वजह से आपको बेतहाशा कमर्शियल्स मज़ीद मिले होंगे, और कितने कमर्शियल्स आपने अपनी पूरी जो इस शाकिर भाई, आपके सवाल के दो हिस्से। उस कमर्शियल से पहले मैंने 80s में बनाया था इनके लिए, लैक्सन के लिए वो बनाया था मैंने, डबल एक्शन ब्राइट, वो मेरा बहुत हिट हुआ था। वो भी आपके बहुत हिट हुआ था, धोए भी चमकाए भी। जी जी जी, वो इतना हिट हुआ था कि उसके बाद मैंने पलट के नहीं देखा। उसी में फिर पाकलैंड भी आया, और वो होते थे अपने राजवानी साहब सिनेमा एडवर्टाइजिंग के, तो उस दौर में एक फिल्म में ट्रेलर जो चलते थे ना, ट्रेलर में कर रहा हूँ एड्स, तो उसमें से 80% एड्स मेरे होते थे। सर ये बताइए कि कमर्शियल्स की दुनिया में रहते हुए फिर आप ये फिल्म इंडस्ट्री से कैसे जुड़े, किस तरह से ताल्लुक बना? शाकिर भाई बेसिकली तो मैं फिल्म का ही आदमी था ना, देखे ना मेरा फादर, मेरे ब्लड में फिल्म था, फिर मैंने सिंधी फिल्मों की फोटोग्राफी की, तो ये तो मैं मजबूरी के तौर पे आया एडवर्टाइजिंग में। मैं लाहौर शिफ्ट नहीं होना चाह रहा था, मैंने कमर्शियल बनाना शुरू की, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने उसको अवेल किया, और फिर माशाल्लाह एक के बाद एक मेरे एड्स हिट होते रहे, और फिर मैंने यहीं सेटल होके मैं एड्स में रहा। एड्स में करते 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 जो आपने सवाल किया था ना पार्कलैंड सीमेंट का, वो डैडी ने ऐड देखा, डैडी उस वक्त जिंदा थे, तो डैडी की जाहिर है पूरी लाइफ फिल्म इंडस्ट्री में गुजरी है, तो उन्होंने कहा बेटा इस टाइप की फिल्म क्यों नहीं बनाते हो। अब डैडी का ये कहना जो था ना हमारे लिए एक तरह का ऑर्डर था। अब मैंने सोचना शुरू किया, मैंने स्टार वॉर देखी, मैंने सारी फिल्में जितनी उन ज़माने में साईफाई बन रही थी अमेरिका में, फिर मैंने कहा कि डैडी ये पाकिस्तान में जो फिल्में बन रही हैं ये साईफाई लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे? तो कह लगे नहीं बेटे, जब तुम एक डिफरेंट ट्रैक पे चलोगे सब तुम्हें फॉलो करेंगे, तुम पब्लिक को ना फॉलो करो, पब्लिक तुम्हें फॉलो करे। लेकिन सर सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ कि इससे पहले आपने जब आप साइंस फिक्शन फिल्म की तरफ आए तो पहले सिंधी फिल्में, हाँ मैंने काफ़ी सिंधी फिल्में की हैं, महबूब मिठा, चांडो की, अलवेली, काफ़ी फिल्में मैंने की, कोई 7-8 फिल्में एज ए इंडिपेंडेंट कैमरामैन सिंधी फिल्में। हाँ, जब आप साइंस फिक्शन फिल्म की तरफ आए तो पहली फिल्म शानी आपकी थी आई थिंक, शानी जिस वक्त बन रही थी तो हमने ये सुना है कि लोग जो इसी फिल्म इंडस्ट्री के लोग वो मजाक उड़ाया करते थे कि ये क्या इस दौर में लोग कॉमेडी फिल्में पसंद करते हैं, लव जो म्यूजिकल फिल्में पसंद करते हैं, जो दीगर जो मारधाड़ से भरपूर, आपका सब्जेक्ट पे बड़ा लोग हंसते थे, लेकिन उस वक्त आप डिस्करेज क्यों नहीं हुए? नहीं सर, मेरा कॉन्फिडेंस था ना मुझे, इसलिए कि देखिए ना जो आज मैं सुनता हूँ ना हमारे मुल्क में जो आलम है, मुझे कॉन्फिडेंस था कि जब आदमी एक डिफरेंट चीज़ स्क्रीन पे आती है पब्लिक जाती है। आप उठा के सर्वे कर लें, आप रिसर्च कर लें, जिस दौर में भी जिस मुल्क में भी डिफरेंट फिल्म बनी है लोग गए हैं। अब अमेरिका से ज़्यादा चैनल तो नहीं है ना हमारे यहाँ। अभी एक फिल्म लगी मैं देख के आया था 2 साल पहले, एक्वामैन, आप देखिए क्या टेक्नोलॉजी उसमें, पब्लिक $13 का टिकट लेके देखती है अपने घरों में 300 चैनल छोड़ के, कोई बात है ना। फिल्म में एक वाइड स्क्रीन में
एक अजीब सा अट्रैक्शन है जब आप सराउंड में एक वाइड स्क्रीन पे फिल्म देखते ना, तो फिर आपको ये छोटे स्क्रीन पे फिल्म नहीं अच्छी लगती। और आपको ये यकीन था जिस वक्त आप ये फिल्म शानी बना रहे थे कि ये फिल्म इंशाल्लाह कामयाब ज़रूर होगी? वो तो मैंने अल्लाह पे छोड़ा था, मगर मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए था कि फिल्म में बहुत ही डिफरेंट था। और मुझे, मैं बताऊँ, जितने मेरे आर्टिस्ट थे, अली भाई के, सब मुझे कहते थे कि यार ये सब्जेक्ट जो है ना, तुम देखना, ये कोई इसका हाथ नहीं रोक सकता है इस फिल्म का। और बग़ैर गानों की फिल्म, एक मेरा मॉडल, उसको मैंने हीरो लिया, शेरी मलिक को, बाबरा शरीफ, टॉप की कास्ट, फैमिली सेंटिमेंट्स, और उसका ट्रीटमेंट ऐसा था कि लोग लेज़र बीम्स और ये देख के, थोड़ा मुश्किल नहीं पेश आई कि उनको समझाने के लिए, जो उस वक्त जो फिल्म की कास्ट थी जो आपने रखी, वो मुख्तलिफ फिल्मों में एक तरह की फिल्में होती थी, तो उनको समझाने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई कि भाई इस तरह की ये फिल्म है? नहीं, मेरा केमिस्ट्री सारे आर्टिस्टों के साथ बहुत अच्छी थी और लोग फॉलो कर रहे थे, मगर आर्टिस्टों ने बाद में कहा जब फिल्म देखी, पहले तुम कहते थे ना वो देखो स्पेसशिप आ रही है, कहना हमको यकीन नहीं होता था, हम लोग देखते थे बस, और फिर हम लोग अलहदा में बात करते थे कि यार वहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो मैंने कहा सब आ जाएगा, तुम्हें सिर्फ रिएक्ट करना है कि स्पेसशिप जा रही है आपके ऊपर। और मैं वो लाइट का सोर्स, आपको अगर याद हो कि वो गांव में स्पेसशिप आती है, तो वो लाइट के सोर्स के लिए मैंने पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया था, उसमें सारी लाइटें लगी हुई थी और वो लाइट सिर्फ गुजर रही थी और लोग ऊपर देख रहे थे। अब लाइट की जगह मैंने वो ब्लू स्क्रीन में स्पेसशिप मैट कर ली, और जब दोनों को कंपोजिट किया मैंने, और उस पर साउंड इफेक्ट स्पेसशिप का था, वो जाहिर है डॉल्बी सराउंड ही था वो, मगर ये कि पब्लिक देख के, सिनेमा हॉल्स पे पब्लिक बिल्कुल डंबफाउंडेड, पहले शॉट से लेके एंड तक। उस ज़माने में सिगरेट पीने का बड़ा रिवाज था, निकलते थे ना, मेरी शानी में निकले कोई, ना सरकटा में कोई आदमी सोचता भी नहीं था कि बाहर निकल के कोई सिगरेट पी लें, क्या क्या हो जाएगा। शानी एक सुपरहिट फिल्म थी, उसके बाद सरकटा इंसान आई, वो भी ब्लॉकबस्टर गई, लेकिन तीसरी फिल्म कुछ हल्की गई जिसका नाम था तिलिस्म जजीरा, वो क्या वजह थी? अच्छा शाहिर, मगर उसके बावजूद भी देखे ना, उस फिल्म ने 62 वीक किए स्टार में जी। वो उतरी इसलिए, लोगों की मैंटेलिटी थी, लोग समझे थे कि रशियन स्टार है, पता नहीं क्या है, यहाँ तो सईद उसमें आयतल कुर्सी सुना रहा है। देखो, लोगों का कुछ कॉन्सेप्ट कुछ और हो के तिलिस्मी जजीरा में गया था। मैं अपनी हर फिल्म के शुरू में, आप देखें, मैं कुरान की आयत देता हूँ। शानी का आइडिया था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि रब जो है ना पूरे आलम का रब है, सिर्फ प्लैनेट अर्थ का नहीं है। सरकटा इंसान है, इल्लल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मैं हर चीज़ पे काबिज़ हूँ, जो साइंटिस्ट कर रहे हो तुम, मैं काबिज़ हूँ। तिलिस्मी जजीरा मैंने सोवियत यूनियन के साथ बनाई, और वो आयतल कुर्सी पे बेस करके, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। हमारे लोग कहते हैं यार ये आयतल कुर्सी सुना रहा है, ये सुना रहा है, अब ये लोगों की मेंटेलिटी हमारे यहाँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। सामरी जादूगर की हिदायत के मुताबिक अमल करके मुझे
नई जिंदगी तो मिल गई है और मैंने अपने मकसद के लिए इस जजीरे पर कब्जा करके इसे दुनिया की निगाहों से ओझल भी कर दिया है। और अब सिर्फ चार इंसानों का खून पीकर मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगी और फिर न मौत मेरे करीब आएगी और ना मेरे हुस्न को सवाल होगा। जब आप एक तवातुर के साथ ये फिल्में बना रहे थे, लेकिन एक आम डगर से हटके, अपनी डगर से हटके आपने फिर वो फिल्म बनाई दिल भी तेरा हम भी तेरे, ये क्या वजह थी कि जी अच्छी खासी ये फिल्में बनाते हुए थोड़ा सा मिजाज आपका? नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात पे। हम कहते हैं फिल्म में कहते हैं क्यूकी एक या तीन महीने में एक फिल्म बना दूँ, तीन चार महीने में। विजुअल इफेक्ट की फिल्म डेढ़ साल लगती थी, इन्वेस्टमेंट ब्लॉक रहता था। तो मैंने कहा यार एक लाइट फिल्म बनाता हूँ जल्दी से। उसके बाद फिर एक सब्जेक्ट पे मैं काम कर रहा था तो उसमें सारे टॉप स्टार, उस जमाने में टॉप कास्ट थी जितने भी स्टार थे, तो मैं एक महीने सबों को बैंकॉक ले गया और कहानी फिल्म मुका दी। मगर वो फिल्म लगी है प्रिंस पे, उसने 8 शो पैक मारे प्रिंस पे जी, बिल्कुल हाँ, और उसके बाद बैन कर दी गई। इसकी क्या वजह थी? ये हम सुनते हैं कि उसमें भी कोई ना कोई कोई साजिश का अंसर भी था, क्या था, क्या वजह थी, कुछ बताएं सर। उसको बैन करने का था कि न्यूडिटी है फिल्म में, वो फिल्म देख ले कोई न्यूडिटी है ही नहीं उसमें। सिर्फ मीरा ने शॉर्ट्स पहनी हुई थी तो उन्होंने कहानी बनाई हमारे लोगों ने कि चड्डियों वाली फिल्म है, यानी शॉर्ट्स है, लड़की बीच पे पैंट तो शलवार कमीज तो नहीं पहनेगी ना, ये था बस। उसके अलावा और कुछ नहीं। और उसमें एक्शन में मैंने वो अमेरिकन वो वहाँ फाइटर थे बैंकॉक में, उनको मैंने यूज़ किया। मैंने बहुत पैसे लगाए थे मगर वो फिल्म उन्होंने 5-6 दिन के बाद जो है ना, मैं यहाँ से सेंसर हो गई थी कराची से, सेंसर होने के बाद एकदम 5-6 दिन बाद सुनते हैं कि वो आके के उसको बैन कर दिया। ओ गोरा गोरा, ओ गोरा गोरा मुखड़ा तेरी आंखें काली काली, ओए लंबी सिटी, ओए लंबी सिटी, ओए लंबी सिटी मार मुंडिया कुड़ी वे उसके नखरे वाली, ओए लंबी सिटी मार मुंडिया। हम दोनों जब मिले नहीं थे, आंखों में सपने खिले नहीं थे। बोल सजना तू क्या करता था? तेरी तस्वीर बनाकर मैं प्यार के रंग भरता था। हम दोनों जब मिले नहीं थे, आंखों में सपने खिले नहीं थे। बोल सजनी तू क्या करती थी? ना सूरज था ना चांद तारे, तब भी मैं प्यार तुझे करती थी। हम दोनों जब मिले नहीं थे। फिल्म इंडस्ट्री के तो ये मामलात साथ साथ चलते रहते हैं और चलते रहे फिर आपके साथ, फिर आप अमेरिका चले गए, फिर यूँ आजकल भी आप आते जाते रहते हैं। इतने अरसे बाद यानी 93 या 94 में सर्कट इंसान आई थिंक आपकी रिलीज़ हुई, उसके बाद अब आप सर्कट इंसान को दोबारा से जो है अब वो लेकर आ रहे हैं, क्या क्या ऐसा कुछ किया है सर्कट इंसान में कि लोग दोबारा उसको देखने जाएं? सर वो आपको यानी वो अजीब सा लगता है कहते हुए, यॉर्क यूनिवर्सिटी है टोरंटो में और रशिया में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, मेरे पास वो उसकी पूरी वो है डॉक्यूमेंट्स है मैं आपको दूंगा। वो मुझ पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये कैसे थर्ड वर्ल्ड में 83-84 में इसने एरियल इमेज ऑप्टिकल प्रिंटर पे काम किया। फिर मैंने क्या किया, जब मैंने देखा यार ये चारों तरफ ये हो रहा है, मैंने मेकिंग ऑफ सरकटा इंसान बनाई, मेरे पास फुटेज थी तो आपने देखा हो, अगर आपने देखा हो मेकिंग ऑफ सरकटा इंसान यूट्यूब पे, तो मैं एरियल इमेज पे काम करता कर रहा हूँ
अब आप ये देख लें 82-83 में मैं कंप्यूटर से यूज़ करता था और मैंने फिल्मों का भी, पाकिस्तानी फिल्मों का भी किया मैंने विजुअल इफेक्ट्स। फिर मैंने देखा कि मैंने कहा ये लोग कहते हैं, फिर जब उसका मैंने कमेंट्स पढ़े लोगों के तो कहने लगे वी वॉन्ट टू सी दिस मूवी ऑन द वाइड स्क्रीन। फिर जहाँ मैं जाऊँ तो वो लोग बात करते कि ये पिक्चर को लगना चाहिए। फिर मैंने देखा कि यार मेरे बाद जब से पाकिस्तान बना है किसी ने हॉरर फिक्शन बनाई नहीं, और सरकटा इंसान भी जो ऐसी फिल्म है कि आपने बस टिकट लेके एक दफ़े बैठ जाना है फिर आप नहीं निकलेंगे। वो जब कह रहे हैं ना लोग, जैसा मां सुन रहे हैं कि बहुत सी फिल्मों को लोग छोड़ के चले जाते हैं, ये फिल्म नहीं छोड़ सकते आप, बैठ गए तो आप बैठ गए। तो बस मैंने कहा कि इसको मैं आर्काइव से लेके, और ये कोई मैंने दुनिया करती है अपनी फिल्में, जो हिस्टोरिकल फिल्म्स होती हैं जिन्होंने कोई एक ऐसा काम किया होता है कि लोगों में एक होता है कि यार ये फिल्म कैसे बनी थी, तो मैंने कहा उसको प्रिजर्व किया जाता है। तो मेरे लिए प्रिजर्वेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि उसका इमेज डिके ना हुआ हो। तो फिर मैंने पूरा रिसर्च किया, मालूम किया, तो वहाँ लॉस एंजलिस में कुछ लेबोरेटरीज थी, वो उसको बिल्कुल कलर को पूरा रिच कर देते हैं हाई रेजोल्यूशन पे। तो मैंने कहा यार इसको रीलॉन्च करता हूँ। मैंने कहा किसी ने किया नहीं, मैं कदम उठाऊँ, ये नहीं तो हमारे पास इस मुल्क में कितनी फिल्में बनी हैं। ये आपका हेरिटेज है कल्चर का। गंगा जमुना, कितनी फिल्में, मैं एक लिस्ट बता दूं आपको पड़ोसी मुल्क की, सबों ने अपनी फिल्मों को, हेरिटेज को अपने रिवाइव किया, सेव किया। आगे चल के यंगस्टर जो आएंगे वो स्टडी करेंगे, जो मीडिया साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो आके, अभी भी बहुत से मीडिया साइंस के स्टूडेंट पूछते कि आपने कैसे बनाई थी शानी, सरकटा में सर कैसे अलहदा किया। इसमें जो मैंने ये किया है ना, इसमें जो टेक्नीशियन को, चाहे वो यहाँ का हो, वहाँ भी गोरे परेशान थे कि इसने मोनोट्रैक को डॉल्बी सराउंड कैसे किया, ये सब पूछते थे। तो मैंने उसके पैरेलल ट्रैक बनाया MP4 पे और उससे मैंने सराउंड, आपने अगर ट्रेलर देखा हो जब ईद के दिनों में तो आप देखें उसका सराउंड कितना इम्पैक्ट देता है। हॉरर फिल्म का तो म्यूजिक से प्लेयर भी जो होता है वही बहुत सबसे ज़्यादा अहम होता है। जिस वक्त आपकी ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 94 या 93 में, जब 23 अप्रैल, उस वक्त हमारे यहाँ इस कदर साइंस फिक्शन फिल्में इंडियन भी या सॉरी जो हॉलीवुड की फिल्में इस कदर नहीं आती थी, लेकिन अब बच्चा बच्चा जो है वो देखता है उनकी फिल्में। तो क्या हमारा नौजवान, हमारे बच्चे इस फिल्म को देखने के लिए आएंगे? इसने इतना कुछ है कि जो उसको देखने के लिए ज़रूर आएंगे? मैं एक छोटी सी बात कोट करूँ आपको, हमारे यहाँ का बड़ा बड़ा नाम है सिनेमा ओनर है नदी मांडवी वाला। तो जब मेरी सरकटा लग रही थी 22 अप्रैल को, तो निषाद में लग रही थी जुरैसिक पार्क, तो नदीम भाई ने बोला कि यार सईद रिजवी, या तू एक हफ्ते पीछे चला जाए या मैं चला जाता हूँ। मैंने कहा क्यों नदीम भाई? कह लगे यार दोनों पिक्चर ने विजुअल इफेक्ट की। तो मैं हंस पड़ा, मैंने कहा सर कहाँ जुरैसिक पार्क, ये कहाँ, हम तो एक जो स्टीवन स्पीलबर्ग ने जो वो बनाया होगा मॉडल, उसकी कीमत की तो मेरी पूरी फिल्म भी नहीं होगी। कह लगे नहीं, अब आपके सवाल का जवाब है, कह लगे तुम्हारी फिल्म में लोकल कंटेंट है, तुम अपने मुल्क की बात कर रहे हो, अपने कल्चर को कर रहे हो। कह लगे ये फिल्म है बाहर की, उनका कल्चर है, जो लोकल कल्चर होगा वो लोगों को इफेक्ट करेगा। तो आपके सवाल का जवाब ही है। तो अब इस फिल्म को हम कब पर्दा स्क्रीन पे देखेंगे? इंशाल्लाह ताला सितंबर में, चेलम के बाद, सितंबर 2023। हाँ जी हाँ सर, इंशाल्लाह दो महीने बाद।
तो इसकी कोई आपने प्रमोशन जो जो करनी है उसका कोई तरतीब या ये अभी मैंने ट्रेलर जो है उसका जो वो भी डॉल्बी सराउंड में है देखेगा आप ट्रेलर में और उसमें अच्छा ट्रेलर जो है मेरा वो पैनाविजन पे है। यहाँ लोग जो बना रहे हैं ना फिल्में वो वाइड स्क्रीन बनाते हैं वो सिलेंड्रिकल फॉर्म अमेरिका में पैनाविजन बनती है फिल्म ताकि लार्जर स्क्रीन में आए तो जो कोई बड़े स्क्रीन है उसमें तो वो चलेगी नहीं तो फ्रेम आप देखेंगे फिल्म ऊपर ब्लैक में आएगी। जो बड़े स्क्रीन है ना जो आज के दौर में पैनाविजन के जिन्होंने अमेरिकन स्टैंडर्ड किया हुआ दुबई में देख लें आप हर जगह देख लें वो स्क्रीन जो है ना वो पैनाविजन के फॉर्मेट पे है। ये सिलेंड्रिकल जो है ना वो तो स्क्रीन कम हो जाती है मगर ये बड़े स्क्रीन पे हॉरर फिल्म का इम्पैक्ट ही कुछ और होता है। फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं और जब आप चेयरमैन थे तो बहुत सारे इख्तलाफात भी आपके रहते थे लेकिन क्या वजह थी कि अपने टाइम से पहले आपने जो है वो जो चेयरमैनशिप छोड़ दी थी तो क्या ऐसी चीज़ें थी क्या बातें थी? वो असल में ये था कि मैं कुछ चीज़ों का मैं उनको बोलता था ये करो। देखिए आज वो लोग शायद इन चीज़ों को मान रहे होंगे मैं चाहता था डेवलपमेंट या आर्काइव्स की भी बात मैंने उस वक्त की थी कि यार हम अपनी फिल्मों को लेके उसको हम ट्रांसफ़र करवाएं ताकि हमारी जो है ना वो प्रिजर्व हो जाए आर्काइव प्रिजर्व हो। मैंने मेमोरेंडम एंड आर्टिकल दिया कि यहाँ की लाइब्रेरी बननी चाहिए हम बाहर से लोगों को लाए हम अपने प्रोड्यूसर को एजुकेट करें। देखिए हमारे यहाँ लोगों को नहीं पता टू बी ऑनेस्ट उनको नहीं पता चीज़ों का। मैं अभी भी देखता हूँ या अपना सोशल मीडिया पे देखता हूँ मुझे हंसी आती है वो आज भी वो छोटे छोटे कैमरों में फिल्में बन रही है तो मजाक है। वहाँ तो अमेरिका में ब्रिटेन में यूरोप में तो इंडी फिल्म्स नहीं बनती है ये इन छोटे छोटे DSLR पे। तो मैं ये कहता रहा मगर क्या हुआ कि वहाँ एक दो केस आ गए मेरे सामने जो लोगों ने कलर लेबॉर्टरी बैंकॉक से काम करा के प्रिंट लेके भाग गए थे। अच्छा हाँ उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया वो सब उन्हीं के मेंबर थे। मैंने कहा नहीं यार ये तो नहीं अच्छा जो दुनिया का कानून है वो हेड को पूछते हैं लीगल नोटिस यहाँ से FIA से एम्बेसी से वो मेरे पास आ रही थी तो मैंने कहा यार ये तो मेरे दरवाजे पे FIA पहुँच गई कि आप जिम्मेदार हैं। तो फिर उन फिल्मों को आपने रिलीज़ भी नहीं होने दिया होगा जो थी? नहीं वो पिक्चर जो रिलीज़ हुई है देखिए मैं तो कुछ कर नहीं सकता था ना वो जो आदमी लेके आए थे वो यहाँ से प्रिंट लाए और फिर जाके इंडिया से उसके प्रिंट बना लिए और फिर एक गायब हो गए कहीं वो। मैंने कहा यार मैं क्या कर सकता हूँ अगर तुम मुझे ज़्यादा तंग करोगे तो मैं हाईकोर्ट से स्टे ले लूँगा तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जिन्होंने किया है जो कंसर्न आदमी है मौजूद आप उसको पकड़े।
आज से 10-12 साल पहले तक, 10-12 साल तक हम लोग कंटिन्यू लाहौर के लोगों को बहुत बुरा भला ही कहते रहते थे, लेकिन आज गुज़िश्ता 4 साल की जो हमारी कराची की फिल्में वो भी बहुत अच्छी नहीं जा रही, वो भी फजूल सी, और अब हमारा जो देखने वाला है वो 1,000 रुपये में फिल्म देखने के लिए जो है वो एग्री नहीं है। ये इस चीज़ को किस तरह देखते हैं, ये कैसे ठीक होंगी चीज़ें? सर ये तो बहुत बुरा, जो हमारे जो मैंने अभी रिसेंटली देखा और मैं कंटिन्यूसली वॉच कर रहा हूँ, हमें कहते हैं ट्रेड में सिनेमैटिक लुक, फिल्म में सिनेमैटिक लुक होनी चाहिए। ये जो नई जनरेशन आई है इन्होंने सिनेमैटिक लुक नहीं रखी फिल्म में। आप एक ड्रामे को वाइड स्क्रीन पे नहीं चला सकते, पब्लिक इतने पैसे देते थे कि शुरू में तो लोग चले गए देखने, एक अच्छा माहौल था। आप अगर आप देखें कितना कंट्रास्ट था उस दौर के सिनेमा हाउसेज और जो मल्टीप्लेक्सेस बने, तो लोग जितने भी गए हैं वो शौक में गए, मगर जब उन्होंने देखा है कि इस फिल्म में तो कुछ भी नहीं है। ये कुछ हमने किया 1980s से, हमारी इंडस्ट्री भी स्लाइड करना शुरू कर दिया। आप रिकॉल करें जब से फिल्में शुरू हुई हैं ठेकों पे बनना, याद है ना आपको, ठेकों पे फिल्में बना करती थी कि यार 15-18 दिन में बना के दे दूंगा। ये अपना लाहौर में शुरू हो जाए, यानी पाकिस्तान में, लाहौर कराची से नहीं बोलता हूँ मैं, पाकिस्तानी इंडस्ट्री की बात। तो ये कौन लोग बनाते थे ये ठेके? बहुत बनाते थे सर, हर आदमी बनाता था। जब मैं सरकटा बना रहा था तो एक ट्रेंड था कि 4-4 टेबलें लगी है, ईंट पे लग रही है, ठेके की फिल्म है, और काटे जाओ नेगेटिव, यूं करे जाओ नेगेटिव को, इस तरह रफ हैंडल करते थे। तो वो एक ट्रेंड बना हुआ था। वो दौर हुआ कि मैं फोरकास्ट मेरी ये थी कि ये स्लाइड करेगी इंडस्ट्री, और ये स्लाइड होना शुरू हो गई। मिसिंग पिक्चर है, क्रैकलिंग चल रही है साउंड में, आर्टिस्ट कोई ना, कहानी ना कुछ, यहाँ स्लाइड हो रहा था, सिनेमाओं पे हथौड़े लगना शुरू हो गए। अब जो मुझे खौफ आ रहा है ना, जो ये अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट है ना मल्टीप्लेक्सेस का जी, ये एक तो इंडियन फिल्म बंद हुई, मैं तो बिल्कुल सही है चले बंद कर दिए, मैं चेयरमैन था, मैंने भी उस वक्त भी मुखालफत की थी, मगर मैंने एक रेजोल्यूशन मूव किया था, जो मैंने मिनिस्टर तक से मैं मिल के आया था, मैंने कहा जॉइंट वेंचर बनाए, इंडिया की फिल्में इम्पोर्ट ना करें, जॉइंट वेंचर बनाए इंडिया के साथ मिलकर। कहते मुश्किल है, मैंने कहा जब मैं रशिया जैसे इतने बड़े मुल्क के साथ बना सकता हूँ तो आप हिंदुस्तान के साथ क्यों नहीं बना सकते, आप जॉइंट वेंचर बनाएं। इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर बनते मेरी पूरी बात हो गई थी अपना FC मेहरा साहब से, जिन्होंने सोनी महवाल बनाई थी, तो हम और वो मिले थे रशिया में, तो उन्होंने बोला यार हम दोनों मिल के फिल्म बनाते हैं। तो मैंने आके यहाँ प्रेस में कह दिया, वो तैयार थे कि तुम बना लो, डायरेक्ट तुम करना, विजुअल इफेक्ट भी तुम करना, इसलिए कि वो भी इसी टाइप की फिल्म, अली बाबा, 40 चोर और ऐसी फिल्में बनाते थे, फिर वो रशिया में भी बना रहे थे, तो कह लगे रशिया हम और तुम मिल के ये फिल्म बना लें। लेकिन सर एक चीज़ मैं दोबारा से इसको पूछूंगा, आपने एक वजह तो बताई कि ठेके की फिल्में, 80 की दिहाई तक अगर आप देखें तो इंडियन फिल्में और पाकिस्तानी फिल्में तकरीबन बराबरी पे जा रही होती थी, मतलब उनके यहाँ भी सुपरहिट फिल्में होती थी हमारे यहाँ भी, और उनकी फिल्म जब हमारे यहाँ लगती थी तो हमारी फिल्म ज़्यादा चलती थी, यानी नूरजहाँ जब लगी तो हम दोनों फिल्म उसने ज़्यादा बिजनेस किया, लेकिन उसके बाद ट्रैक चेंज हो गए दोनों के, इंडिया बहुत आगे निकल गया और अब वो 1100 करोड़ और 100 करोड़ और इस तरह से वो चला गया और हम लोग बिल्कुल नीचे आ रहे हैं। असल वजह क्या थी? आपने लाहौर को भी बहुत डीप से देखा है, कराची को भी देखा, ठेके की फिल्मों के अलावा क्या फैक्टर था कि जो फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो गई? देखिए ना, अब आपने एक ऐसा सवाल किया, दैट इज़ अ कोर इशू, कोर इशू इज नॉट द इंडस्ट्री, द कोर इशू इज द गवर्नमेंट। हम वो मुल्क है हमारा कि जब हमारा पार्टीशन हुआ तो इंडिया ने फिल्म डिवीजन बना दिया एक साल बाद पार्टीशन के, दैट इज़ अ हिस्ट्री। अब नोट कर लें, आप पढ़ लें, हमने आज तक, आपके पास फिल्म पॉलिसी है, मैं आपसे पूछता हूँ,
भी सर वो मुल्क कहाँ चलेगा, वी डोंट हैव एनी फिल्म पॉलिसी। हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ माफ़ कीजिएगा, एक लैक ऑफ एजुकेशन है। अब हमारे लोगों को पता नहीं, वो जब भी देखो मैं सुनता हूँ कि यार ये इंडस्ट्री रिकग्नाइज करो। अब इंडस्ट्री रिकग्नाइज बेवकूफ़ हो, उससे क्या होगा, पॉलिसी होगी तो इंडस्ट्री रिकग्नाइज होगी। एक कोई आ जाता है मिनिस्टर, कभी वो हम लोगों का ऐसे सदक़े में पैसे दे देता है, बड़े बड़े टेक्नीशियन खड़े होते हैं, मेरा दिल बहुत दुखता है उस वक्त, उनको पैसे दे देता है, वो बातें करते हैं हम तुम्हें इतने करोड़ दे देंगे, एक टका नहीं दे सकता, वो हमारे टैक्स के पैसे हैं। ये जब तक फिल्म पॉलिसी नहीं बनेगी, देर हैज़ टू बी अ फिल्म पॉलिसी इन दिस कंट्री। मैं चेयरमैन था, मैंने यही आवाज़ उठाई थी कि फिल्म पॉलिसी बनाए, फिल्म पॉलिसी बनाए। मेरे लेटर्स पढ़े होंगे उनके फाइलों में, हमारे लोग जो बैठे थे एसोसिएशन के, उनके भी सब में नहीं समझ में आए, क्या पता नहीं क्या बातें करते हैं। तो दुनिया में फिल्म पॉलिसी यार बांग्लादेश में है यार, हमारे बाद आज़ाद हुआ है। मेन इशू जो मैं समझाऊँ वो यही है कि जी फिल्म पॉलिसी, सर फिल्म पॉलिसी होती है तो उसमें डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं वो पैरामीटर्स होते हैं, दे गिव यू फंडिंग। ये नहीं कि बोरी उठा के अब शाकिर भाई को दे देंगे या हमारे दोस्त जो हैं उमर खिताब साहब उनको दे देंगे, ये नहीं होगा। आपका बैक ट्रैक होता है पॉलिसी जब होती है ना, कि ये आदमी ने काम क्या किया हुआ है। फिर पॉलिसी में आपको अपना लॉग लाइन सबमिट करनी होती है, आपका डायरेक्टर कौन है, आप खुद कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी कि बोरी उठा के एक मिनिस्टर आए और आपको दे देगा, यार मजाक है यार, हम लोग इतने जाहिल लोग हैं कि हम लोग खुश हो जाते हैं यार। इट्स क्रेजी थिंग कि इंडस्ट्री रिकग्नाइज, इंडस्ट्री के बाद क्या मिलेगा आपको, आप चले बता दें क्या मिलेगा। बैंक से लोन मैं आपको आज दिला दूँ, आप अपना घर रख लें, आपको लोन मिल जाएगा। इंडस्ट्री में तो यही होता है ना, जितनी इंडस्ट्री लोनों पे चलती है ना। मगर यहाँ जब होता है, जब पॉलिसी होती है तो आपको फंड करती है गवर्नमेंट। अब देखें ना 2022 की, मैं अजीब लगता, मुझे शर्म आती है मिसाल देते हुए, न्यू दिल्ली में एक उन्होंने अपना डिवीज़न फिल्म के डेवलपमेंट के लिए स्टार्ट किया है 2022 में सर, क्या आपको हम प्रमोट करें कि आप न्यू दिल्ली में शूट करें, शूट करें, जिस तरह दीगर ममालिक में भी होता है दुनिया, हर जगह होता है सर। बिल्कुल, ये वाहिद प्लानट है अर्थ, यहाँ फिर आना चाहिए शानी को इनको ठीक करने के लिए। ये गुंजाहिर है, मैंने तो यहाँ तक अपने एक मॉर्निंग शो में कहा था, मैंने कहा जो लोग कहते हैं ना कि चार पिलर हैं, मैंने कहा पांचवा पिलर वाइड स्क्रीन है। ये वाहिद मीडिया है वाइड स्क्रीन, जो प्रमोट करता है, मोटिवेट करता है, कम्युनिकेट करता है आवाम को। आप मैसेज कन्वे कर सकते हैं अपनी फिल्म से। आप मुझे बता दें, मेरे पास 68 फिल्मों के नाम हैं पड़ोसी मुल्क के, आपने जवाब दिया आपने जवाब नहीं। बिल्कुल, मैं नाम लेना नहीं चाहता फिल्म में जिसमें हमें ऐसा कहा गया, क्यों नहीं जवाब दिया। आपके ख्याल में इस पे, इस सब्जेक्ट पे फिल्म बननी चाहिए और उनको जवाब देना चाहिए। हर फिल्म के ऊपर जवाब देना चाहिए। देखिए फिल्म का जो मैं कह रहा हूँ ना कि मोटिवेशन का एक वर्ड है इंग्लिश का, आपको मोटिवेट करता है ये वाइड स्क्रीन, ये छोटे वाले स्क्रीन खिलौने नहीं करते। आपको आज भी गाना याद होगा, हम इतने छोटे थे कि वो ले जा मेरी दुआएं ले जा, वो क्यों रहता है आपको याद, कि आपके मेमोरी बैंक में जो है ना वो डाटा सेव हो जाता वाइड स्क्रीन का, आप नहीं भूलते। मैं आपको इतनी फिल्में बता दूं जिसमें मोटिवेशन है। एक फिल्म अभी लगी है अमेरिकन, उसका नाम है फ्यूरी, एक टैंक के ऊपर बनी है, सेकंड वर्ल्ड वॉर की फिल्म है। एक टैंक जर्मन्स के बटालियंस को उड़ा देता है, क्या कभी मुमकिन है, एक टैंक फ्यूरी वो पूरे बटालियन को उड़ा देता है। मोटिवेशन कि हमारी फौज इतनी मजबूत है। एक प्रेसिडेंट अमेरिका का प्लेन में है और वो एलियंस को मार देता है सबों को, अमेरिकन प्रेसिडेंट, मोटिवेट करते हैं ऑडियंस को। द इंडिपेंडेंस डे फिल्म बनाते हैं वो, देखिए आपने अमेरिकन, आप देखें तो दो बनाई उन्होंने, दिल खुश होता है।
कि इंडिपेंडेंस डे पे वो हमला करते, ये लोग किस तरीके से अमेरिकन, ये मोटिवेशन है, कम्युनिकेशन है। आप अपने मुल्क के 10 मसले बता सकते हैं आवाम को कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप देखें ना, ये चीज़ें हैं। अब एक कंट्री है, अमेरिकन्स ने वियतनाम को बिल्कुल 0-0 कर दिया था। आज वियतनाम की इंडस्ट्री को देखने, उन्होंने वियतनाम के ऊपर वो एक फिल्म थी प्लटून, उन्होंने पॉजिटिव बताया अपने आप को, प्लटून में भी पॉजिटिव बनाया और इतना पॉजिटिव बताया। मैंने ये फिल्म देखी थी पता नहीं कितने साल पहले लंदन में, तो वो इतना बताया कि हम ये सोचने पे मजबूर हो गए कि यार इन्होंने गलती की थी, वियतनामीज ने, ये अमेरिकन ऐसे हैं। देखिए ये होता है ना कि आपका माइंडसेट जो है ना वो चेंज हो जाता है, फिल्म पॉलिसी। सर ये बताएं कि आप के जो फादर हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहे, आप फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं आज तक, आपके कितने भाई हैं और वो किन किन शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री से क्यों नहीं जुड़े? देखिए भाईजान जो है ना मुझसे बड़े हैं, मसूद रिजवी जिन्होंने घरदामाद बनाई थी। अच्छा, तो वो डैडी के एसोसिएट डायरेक्टर थे। ओके। हाँ, मैं बाद में आया हूँ, मैं आया कैमरा डिपार्टमेंट में और भाईजान डायरेक्शन में थे। मुझसे मसूद रिजवी साहब घरदामाद बनाई थी, फिर उन्होंने एक फिल्म शुरू की थी भूल ना जाना, रोजीना और नदीम भाई थे उसमें, और उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई, वो फिल्म रुक गई। मुझसे छोटा भाई है रशीद रिजवी, वो लॉयर बना, फिर सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस हुए वो। अच्छा। उससे छोटा भाई वो पिछले साल उसको पता नहीं एकदम कैंसर हुआ। मेरे दो भाई पिछले साल उनकी डेथ हुई, एक कैप्टन था और एक जो था नवीद रिजवी वो मेरे साथ था, वो जो फिल्मों में जितने साउंड इफेक्ट्स जो होते थे ना जी जी, वो जिसको फॉले कहते हैं आज के दौर में, वो मैं बेफिक्र हो जाता था, वो सारे इफेक्ट्स वगैरह पूरा मेरा साउंड डिपार्टमेंट वही हैंडल करता था। उससे छोटा खुर्शीद रिजवी है, वो आर्ट डायरेक्टर है। उससे छोटी मेरी एक बहन है फरा नादिर, वो आजकल टीवी ड्रामों में भी काम करती है काफ़ी। जो मौजूदा सूरत हाल है फिल्म इंडस्ट्री की और जहाँ तक हम पहुँच गए हैं, कैसे ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी? कोई डायरेक्टर्स जितने भी हैं पाकिस्तान के, जितने डायरेक्टर्स हैं नए डायरेक्टर्स हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से ये मामला ठीक हो सकते हैं? शाकिर भाई, तो ऐसा सवाल कर लिया ईमान से, ये तो इसका तो जवाब ही नहीं है। देखिए डायरेक्शन जो है वो हर आदमी खड़े होकर अपने आप को डायरेक्टर कह नहीं सकता। यू हैव टू टेक ट्रेनिंग, आपका ट्रेनिंग के साथ साथ आपका इमेजिनेशन होना चाहिए, कोई आपका विजन होना चाहिए। आप सिर्फ फिल्में ऐसी सिर्फ डायरेक्टर हाथ में अपना सामने मॉनिटर रख लिया, वो पूरा उसको स्क्रीन प्ले पता होना चाहिए। आप देखिए हमारी इन फिल्मों का स्क्रीन प्ले इतना वीक है, कैरेक्टराइजेशन पता होनी चाहिए। और फिर देखिए कब तक लोग स्पॉन्सर देंगे फंड्स, घूम फिर के बाद जो आप देख लीजिए आपके पास हल है फिल्म पॉलिसी। सिर्फ फिल्म पॉलिसी होगी तो अच्छी फिल्में भी बनेगी, इसलिए कि वो पहली उस पर वो चेक एंड बैलेंस हो जाते हैं ना, जो बैठते हैं ना फिल्म पॉलिसी के डायरेक्टर बोर्ड, वो चेक करता है, आपसे लॉग लाइन मांगता है वो कि आप लॉग लाइन दे। जब लॉग लाइन आप मांगेंगे ना किसी से, वो पता चल जाएगा वो आदमी कितने पानी में। एक डायरेक्टर को जब इंटरव्यू करता है एक बोर्ड कि गिव मी योर लॉग लाइन, आप नेटफ्लिक्स पे फिल्म नाम ले लिया मैंने, जितने OTT हैं आप उसमें फिल्म ऐसे नहीं बना सकते, उसमें एक पैरामीटर्स हैं उनके कि आप कौन सा कैमरा लेंगे, वो इतना टेक्निकली इतनी चीज़ें। मैं इसलिए कि मैं 2 मीटिंगें करके आया हूँ अभी, तो वहाँ इतना बड़ा चांस है करने के लिए। मगर सबसे पहले वो कहते हैं यू पीपल डोंट नो हाउ टू मेक मूवीज। देखिए ये फैक्ट है। अब आप हर OTT भी देख लें, जितने सारे जो पाकिस्तान में यहाँ चल रहे हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं चलते, आप देख लें उनमें उनकी फिल्म की क्वालिटी। अब तो मैंने एक चैनल पे एक ऐसी फिल्म देखी है कि मेरे ख्याल से फीचर फिल्म में इतना एक्शन नहीं होता जो उसमें था, आँखें नहीं हिलती।
तो हमारे यहाँ अगर गवर्नमेंट सीरियस है तो सबसे पहले फिल्म पॉलिसी बनाए, फिल्म पॉलिसी बनाए। आप मेरी बात ये इंटरव्यू को आप कहीं लॉक करके सेव कर लीजिएगा, इंडस्ट्री फिर चलेगी। और उसमें फंड्स भी जो है ना, वो जितने टैक्सेस जमा होते हैं ना फिल्म के, उसे वो उसके फंड्स में जाता है। जैसे वो आपको सिनीप्लेक्सेस पे टैक्स लेते हैं या किसी और टैक्स लेते हैं, आर्टिस्टों पे टैक्स लेते हैं, वो गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखती। वो जो फिल्म पॉलिसी में एक वो होता है, उसमें वो सारा पूल होता है और फिर उसी से वो आपको पे करते हैं। और फिर उसमें ये भी होता है कि अगर किसी आदमी ने कुछ डोनेट करना है तो वो फिल्म पॉलिसी को डोनेट करेगा, उसको उसको टैक्स में रिलीफ मिलेगा। तो ये चीज़ें होती है जिसकी वजह से दुनिया में चलता है फिल्म पॉलिसी। सबसे ज़्यादा ब्रांचेज जो है ना फिल्म पॉलिसी में, वो अमेरिका में है, हर स्टेट में है, हर स्टेट की अपनी पॉलिसी है। वो आपको इतना टाइम करते हैं कि आप अगर उस कोस्ट में हैं, यानी एलए में, लॉस एंजलिस में हैं, तो आप न्यूयॉर्क में फिल्म बनाएं, हम आपको ये डिस्काउंट देंगे, ये डिस्काउंट देंगे, कैमरा डिस्काउंट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, वो देंगे। हमारे यहाँ है ये, देखिए सर हम कहाँ रह रहे हैं। फिर आप ये भी देखें ना, हम कहाँ रह रहे हैं जी, यानी बिल्कुल एक अजनबी जगहों पर, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं है। दुनिया में होता है ये फिल्म पॉलिसी के बगैर। तो बर्मा कितना छोटा मुल्क है, दे हैव फिल्म पॉलिसी, कुड यू बिलीव इट, बर्मा दे हैव फिल्म पॉलिसी, वी डोंट हैव। सर हमारी दुआ है कि गवर्नमेंट इस तरफ जो है वो ज़रूर देखे, और हमारे लोगों को भी ये चाहिए कि आप जैसे सीनियर लोग जिस तरह जो मशवरा दे रहे हैं या जो प्रपोज़ल उनको दे रहे हैं तो उस पर अमल करें और हमारे यहाँ फिल्म पॉलिसी ज़रूर बने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे सवालों के मुफस्सिल जवाब दिए। सर बहुत शुक्रिया। माई प्लेजर।